वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर फ्यूचर। तो जैसे कि आप सबको पता है कि जॉब का जो नोटिफिकेशन आया है ASCO का, यानी कि असिस्टेंट सॉइल कंजर्वेशन ऑफिसर के लिए, जो कि आपके लिए जॉब के लिए नोटिफिकेशंस आया है। तो इसमें क्या है कि जो जिन स्टूडेंट्स ने BSc कर रखी है एग्रीकल्चर से, यानी कि जो ग्रेजुएट है एग्रीकल्चर से, उनके लिए ये जो नोटिफिकेशन है जॉब का, या फिर ये जो पोस्ट है इस पे आप अप्लाई कर सकते हो, ये आपके लिए यूज़फुल है। तो डिटेल से पूरी जॉब के बारे में देखने के लिए कि इसका जो स्केल है, पे है, वो क्या रहने वाला है, और एज की लिमिटेशन क्या है, और इसकी जो पेमेंट फीस रहेगी वो कितनी रहेगी, और बाकी इसका सिलेबस क्या है, कितनी फेज़ में एग्ज़ाम होगा, उसके बारे में डिटेल से जानने के लिए जुड़े रहिए एंडिंग तक मेरे साथ वीडियो में। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि जैसे कि ये आपको दिखाई दे रहा है कि ये ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एडवर्टाइजमेंट दी गई है इस जॉब के लिए। तो इसके अंदर क्या है, इस वेबसाइट पे जाके आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो, और जो फॉर्म है वो कब से फिलअप होना शुरू होंगे, तो 23 तारीख से, यानी कि 23 तारीख से 24/5/2021 तक, ठीक है। तो 24 तारीख जो है वो निकल चुकी है, अब सॉरी 23 तारीख से, तो इसका ये चौथा महीना था जो उसके अंदर ये फिलअप होने शुरू हुए थे, और इसकी एंडिंग जो डेट है वो क्या है, 5th महीना, यानी कि अभी 3 दिन बाद इसका जो रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो जाएगा। इसकी लास्ट डेट की बात करें तो 31 तारीख है, री रजिस्ट्रेशन आप 24 तारीख तक करवा सकते हो, ठीक है। टोटल पोस्ट कितनी है, 92 पोस्ट है, यानी कि 92 पोस्ट है टोटल इसकी। और पे स्केल की बात करें तो बेसिक पे स्केल जो रहेगा वो आपका कितना रहेगा, 9300 से लेके 34800 तक। और ग्रेड पे स्केल की बात करें तो 4600 रुपये रहेगा आपका ग्रेड पे स्केल, ठीक है। तो इसके बाद में चलते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट क्या है, वैकेंसी की पोजीशन की बेस पे बताया गया है, ये कैटेगरी वाइज अलग अलग है। अनरिजर्व कैटेगरी है उनकी 46 वैकेंसीज हैं उनके लिए, और जो SEBC है उनके लिए 10 है, शेड्यूल्ड कास्ट जो है उनके लिए 15 है, और जो शेड्यूल्ड ट्रिब है उनके लिए 21 है, यानी कि टोटल जो वैकेंसी है आपकी 92 वैकेंसीज आई हैं, और टोटल वैकेंसी जो है 92 है, ये आप देख सकते हो वीडियो को पॉज करके। फिर एज लिमिटेशन की बात करें कि आपकी उम्र जो है वो कितनी है, तो आप इसे फिलअप कर सकते हैं। तो ग्रेजुएशन में जैसे आपको पता है कि अगर आप ग्रेजुएट हो, BSc कर रखी है आपने, तो आप क्या है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। एज इसने बोला है 21 ईयर, ठीक है, तो और 32 से ऊपर नहीं होना चाहिए और 21 से नीचे नहीं होनी चाहिए आपकी एज, ओके। तो फिर नेक्स्ट हम बात करेंगे, वन सेकेंड, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि आपने एजुकेशन में क्या कर रखा है तो आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हो। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, बैचलर ऑफ साइंस, यानी कि आपने BSc कर रखी है एग्रीकल्चर से, या फिर चाहे तो हॉर्टिकल्चर से कर रखी हो, या फिर भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कर रखी हो, तो भी आप इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री वाले भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है एग्जामिनेशन फीस जो आपकी है वो क्या कुछ रहने वाली है, ठीक है। तो एग्जामिनेशन फ़ी का आप इसमें देख सकते हो कि आपकी जो एग्जामिनेशन फ़ी है वो जो नॉन रिफंडेबल और नॉन जो एडजस्टेबल है उनके लिए फ़ी रहेगी 500, ओके, यानी कि जो फ़ी रहने वाली है वो है 500। और नेक्स्ट बात करते हैं मेथड ऑफ सिलेक्शन, यानी कि सिलेक्शन आपका किस टाइप से होगा, इसका मेथड ऑफ सिलेक्शन क्या रहेगा, यानी कि सिलेक्शन होने का जो मेथड है, जो स्टेप्स हैं वो क्या क्या रहेंगे। तो जैसे कि आपको पता होगा कि इसके अंदर दो एग्जामिनेशन होते हैं, एक होता है फर्स्ट पेपर होता है और एक होता है सेकेंड पेपर, उसके बाद में आपका रहता है इंटरव्यू। फर्स्ट पेपर के अंदर क्या रहता है, आपकी 5 यूनिट्स रहती है, ठीक है, सेम पैटर्न इसके अंदर रहता है सेकेंड के अंदर, लेकिन अलग अलग सब्जेक्ट्स रहते हैं इनके अंदर। और उसके बाद में अगर आप फर्स्ट और सेकंड दोनों ही पेपर को क्वालिफाई कर लेते हो, तो उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं, इसमें ये बताया कि आपको टाइम कितना मिलेगा, ईच पेपर के लिए 1 आवर का टाइम दिया जाता है आपको, और जो आपका वाइवा रहेगा यानी कि इंटरव्यू, वो कितने नंबर का होगा, 25 नंबर का आपका इंटरव्यू होगा, ठीक है। और ये देखो क्वेश्चन बताया, 100 मार्क्स फॉर ईच पेपर, ओके, 100 मार्क्स मिलेंगे आपको ईच पेपर के, तो दो पेपर हो गए 200 नंबर के। फिर प्लेस ऑफ एग्जामिनेशन, यानी कि आप कहाँ कहाँ पे फिलअप कर सकते हो, सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है, तो कहाँ पे, कटक के अंदर,
और भुवनेश्वर या फिर बालसोर या बहरामपुर या साबलपुर इन पे, ठीक है। तो कैंडिडेशन फॉर्म जो सॉरी कैंडिडेट्स की जो फॉर्म है उन पे ये क्या है डिपेंड करेगा। तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि अदर एलिजिबिलिटीज़ जो हैं, तो वो तो आपको पता ही है कि इंडिया का होना चाहिए, वो सभी चीज़ें जो कि नेसेसरी होती है हर एक एग्जामिनेशन में, वो सेम पैटर्न है इसका। फिर है सिलेबस क्या रहता है फर्स्ट एग्जामिनेशन के लिए, इसका सिलेबस क्या रहता है फर्स्ट एग्जामिनेशन का, तो जनरल एग्रीकल्चर रहेगा आपका, जिसमें उसकी इंपॉर्टेंस ट्रेंड जो एग्रीकल्चर एलिड फैक्टर्स प्रेजेंट डे प्रॉब्लम्स एंड रेमिडियल मेजर्स गवर्नमेंट पॉलिसीज़, तो ये वाला पोर्शन जो है ना जनरल एग्रीकल्चर का, इसमें से जो क्वेश्चन आपसे पुटअप होंगे ना वो 20 मार्क्स के आपके क्वेश्चंस रहेंगे। और सेकंड बात करते हैं यूनिट सेकंड की, फर्स्ट यूनिट में तो जनरल एग्रीकल्चर, सेकंड यूनिट में नेचुरल रिसोर्सेज, तो ये भी कितने मार्क्स की रहेगी 20 मार्क्स की। इसके अंदर भी लैंड वाटर फॉरेस्ट और ये प्लांट इकोसिस्टम ये सब कुछ रहेगा। यूनिट थर्ड जो है ये भी 20 मार्क्स की रहेगी, इसमें सॉयल फॉर्मिंग प्रोसेस जो है ये वाला पूरा पैटर्न जो है ये रहेगा आपका सॉइल का पोर्शन। और फिर बात करेंगे यूनिट थर्ड की, सॉरी यूनिट थर्ड अपनों ने ऊपर देख ली। फिर यूनिट फोर्थ की बात करेंगे, तो इसमें क्या है वेदर एंड क्रॉप ग्रोथ की, जिसमें टिलीज टिल्थ या फिर सीड सोविंग क्रॉपिंग सिस्टम ये सब पैटर्न आता है, ये भी आपका 20 मार्क्स का ही रहेगा। और फिफ्थ यूनिट जो आपकी है वो भी आपकी 20 मार्क्स की रहेगी, इसमें क्या आएगा इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंस आएगी और आपकी जो क्रॉप्स है गुआवा लीची पपाया और कोकोनट रबर ये सब इसके अंदर आएगी यूनिट फिफ्थ में, ठीक है। तो जैसे कि ये पेपर फर्स्ट का जो था ये पैटर्न, इसके अंदर सिलेबस ये रहेगा, पेपर फर्स्ट के अंदर जो आपका पहला पेपर होगा। फिर सेकंड पेपर की बात करें तो उसके अंदर तो हम बात करें यूनिट सिक्स की, यानी कि फर्स्ट के अंदर आप 5 यूनिट को कंप्लीट कर लोगे, उसके बाद में सिक्स यूनिट की बात करें तो इसके अंदर क्या आएगा एग्रोफोरेस्ट्री आएगी, बेसिक पूछा जाएगा, एग्रोफोरेस्ट्री रहेगी, ये भी कितने मार्क्स की रहेगी 20 मार्क्स की रहेगी। और फिर बात करेंगे यूनिट जो आपकी सेवन्थ यूनिट है, इसमें रैनफेड एग्रीकल्चर रैनफेड का जितना भी है ना उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप होंगे और ये भी आपका 20 मार्क्स का ही रहेगा। फिर एट यूनिट की बात करते हैं, इसमें सोयल एंड वाटर कंजर्वेशन के बारे में आपसे पूछा जाएगा। और फिर नाइन्थ की बात करते हैं तो इसमें वेस्टलैंड कॉजेज और डिस्ट्रीब्यूशन जो भी है सस्टेनेबल लैंड्स का उसके बारे में है। टेंथ की बात करें तो प्रोटेक्टेड कल्टीवेशन इंपोर्टेंस स्कोप कंट्रोल ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, ठीक है। तो ये वाला क्या है सेकंड जो आपका एग्जामिनेशन होगा उसका पैटर्न है, इसके भी 5 यूनिट हैं और फर्स्ट के भी कितने यूनिट थे 5 यूनिट। अगर आप फर्स्ट पेपर को क्वालिफाई करते हो देन आप सेकंड पेपर दे सकते हो, और अगर आप सेकंड पेपर को भी क्वालिफाई कर सकते हो देन आप इंटरव्यू के लिए वैलिड हो, आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। और इंटरव्यू कितने नंबर का होता है 25 का, और इंटरव्यू भी आपका क्लियर हो जाता है उसके बाद में आपका होता है फाइनली सिलेक्शन, ओके। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी दी हुई जो इन्फॉर्मेशन है आपको बेनिफिशियल लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हाँ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।